लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा सुख करता दुख हरता विघ्न हरता कामना पूरण पूरण करता अंधन को आँख देत कोढ़न को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। छोटे कहा बात है आज उतरना नहीं है कहा कोई टेंशन वेंशन है का भाई साहब मेरी तो उतरना रही यो की तो सूख सी गई दिखे आज। इस लुगाई के शागिर्द ने पहले भी समझाया मैंने रोज रोज वहां के कहने पे अंग्रेजी रोटी खाएगा तो यू ही हाल होगा। भाई साहब पिज्जा क्या है बाबू पिज्जा और लुगाइया तो कम कदर काटे पर वो आड़ी को वालों ने तो घना ही कदर काट रखा है। क्यों के बात है भाई साहब वो आड़ी गांव में एक दो नहीं पूरी तीन तीन ओटी आड़ी उतनी कैद 50 एकड़ की लेटरिंग में तो हगने आता हूं मैं वह गांव के लोगों के पास तो कुल मिला के इतनी भी जमीन ना है जितनी पे हम खादर वाले हकते आज खादर में सोचते पहले 5 चोटी ला के धर दो खड़े हो लो ना दोनों हम चौधरी हम चौधरी हम चौधरी हम चौधरी हम चौधरी हम चौधरी है हम ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पर ज्यादातर गुजर परिवार ही रहते हैं। कुछ सालों पहले तक या तो ये परिवार खेती बाड़ी करते थे या फिर जिनके पास गाय भैंसे थी वो दूध बेचकर गुजारा करते थे और मस्त रहते थे। इन गांवों में बोली जाती है गुजर भाषा जिस पर दिल्ली का असर तो पड़ा मगर ना तो उनमें नेताओं जैसी बेईमानी है ना ही अफसरों जैसी चापलूसी। उसमें है रौब, दबंगता और ठेठपना। और हाँ एक चीज है जो इस भाषा में थोक के भाव में मिलती है। इसी वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में इन लोगों की खास पहचान बन गई है। मगर पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा हुआ
जिसमें इन लोगों के रहने खाने और जीने का तरीका ही बदल दिया। मगर नहीं बदली तो वो थी इनकी सोच और चौधराहट। रे जल्दी जल्दी चाल, ना तो सिगरेट ना मिलेगी आज पीन को। रे चिंता ना कर, चौधरियों को घड़ा टाइम लागे है। तुझे हम दोनों के लिए वहाँ चौधरी रुकेंगे। चल लुट गए सारे लोटे। रे आज चूक गए, कोई बात ना, चौधरी तो हगने के बाद रोज लुटा मैं लोटे। एक भी लोटा हाथ लग गया ना तो महीने भर की सिगरेट का जुगाड़ हो जाएगा। के हो जाएगा चले। के बलंडर है। अरे घर में भी तो बनाई है लेटरिन, इन सबों को ना जाने क्यों रोज रोज कोसों दूर जाकर तेल फूक कर ही अगना हो। और हाँ, वो लोटे ले आए धोकर या आज फिर लुटा आए? अरे अम्मा, पुराने टाइम ते बाहर आ जा, अब क्या लोटे भी वापस लेके आवेंगे? गाँव में चौधरी साहब कहवे हैं लोग। अरे माँ, तन्ने के प्रॉब्लम है, हैं? जे मारे मेले लोटों ते किसी का घर चलता है तो चलने देना, बेफिक्र हो के आराम से पड़ी रहे तू बस। हाँ? अरे बामलो, यूं पैसे लुटाने से तो राजे महाराजाओं के खजाने भी खाली हो जावे हैं। अरे अम्मा, तो चिंता ना कर। अरे इतनी बार तो हम हगेंगे भी ना, जितने हजार हजार नोटों की गड्डियां हमारे घर की तिजोरी में पड़ी हैं। सही है जयबीर, जाके अखाड़े को तैयार हो जा, साबर सुबर लेके आए। और जयबीर सुन, छोटू तक कह दियो वो फ्रेश जूस डाल देगा मौसमी वाला और रिबोक की बोतल में। अरे अम्मा के लिए भी ले आओ भाई। अरे अम्मा क्यों गुस्सा कर रही है? अरे शावर शुवर तो बाद में हो लेगा भाई साहब, आप एक काम करो गाड़ी में बैठो और जाके वो बयाने की कहानी भी तो पूरी करनी है। हाँ अम्मा, खुश रहा कर। चल। अरे तुम भी कैसी बात करो,
एक लोटे के 300 रुपए। अरे पीतल के लोटे हैं महाराज, पीतल के। और फिर मैं तो नू कहूँ ये लोटे चांदी के भी हो सके हैं। इन चौधरियों ने इन पे सोने का पानी करवा रखा हो। अरे बड़ा पैसा है चौधरियों के पास। ले लो महाराज, देखो नहीं, 5 लोटे 500 के हिसाब से 2500 रुपए। अगर चांदी के निकल आए तो मजा ही मजा है। चुतड़ दो इन लोटों से, जो मिल रहा है धर ले, लोटे गाड़ी में रखवा दे जा। अबे माँ बाप के बलंडर। चोसा राम राम। राम राम। आइए आइए चोसा। कहाँ है वो? जी वो ओपी के काम से गया जी, अभी आने वाला होगा। अब बैठो बैठो भाई साहब। पर खुदार, वो तू भी पंडित है? नहीं चोसा, आप ही की बिरादरी का हूँ जी। के? जी भाई शर्म ना आती तुझे, हमारी बिरादरी का होके नौकरी करे तू? कौन से गांव से है? जी वो पातली गांव है जी। पातली? पातली से यहाँ काम करना है तू? जी हाँ, वो मेरी जमीन है जी, वो बंजर पड़ी है, इसीलिए नौकरी करनी पड़ रही है। ये लो जी आ गया। आ गया माँ बाप का बलंडर। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, गंगू तेली के घर राजा भोज। अरे भाई साहब गाड़ी का सायरन बजा देते, बेचू खुद ही हाजिर हो जाता। आपको तकलीफ करने की क्या आन पड़ी? तकलीफ करनी पड़ी, जान बूझ के अनजान बने हैं। गांव में 3-3 ऑडी आली और चौधरी जयकिशन के घर पे स्कॉर्पियो ही खड़ी रहेगी के? अरे भाई साहब 3 के 5 2 10 ऑडी आएंगे जल्दी, चिंता ना करो। माँ बाप के बलंडर देख ले, कंधा देने के लिए 4 ही चाहिए, हम तो 5 भाई हैं। भाई साहब। अरे बेचू, कागज तो तूने हमसे सारे साइन करवा लिए और दिलवाया अभी तक सिर्फ बयान ना। अब इन बिल्डरों को तू समझाएगा अपने तरीके से या हम समझाएं? ना भाई साहब, आप नहीं समझाना। क्यों? बात बिगड़ लेगी है? भाई साहब आप बड़े इंटेलिजेंट हो, आप समझाओ। है ने बात बची ओडी की, तो ओडी ले आओ, पैसे देता हूं मैं, बिल्डर से सारा पेमेंट आ जाएगा, हिसाब होता रहेगा। अरे हमें ना चाहिए तेरे पैसा, यू बता हमारे पैसा क्या हुआ? भाई साहब मैं आपसे इब्नियो ही बोल रहा हूँ ना, सरकारी प्लान तो पास हो जान दो, फिर नोटा ही नोटा गणे नोट, ओडी की डिक्की छोटी पड़ जावेगी, नोट होंगे गणे। हमारा काम जल्दी होना चाहिए। हो गया भाई साहब, हो गया। अरे गाड़ी निकाल रहे। अरे अरे दुकान से नए नए लोट लेकर आया था यार, तूने नीचे गिरा दिए यार। वैसे चौधरी साहब मैं तो खुद ही आने वाला था स्टॉक देने के लिए आपको, ये बाप आ गए तो लेके जाओ। राजोदा गाड़ी में रखवा दे, गाड़ी में रखवा दे सब। 6000। चौधरी साहब मरने तो नोट ज्यादा लगे। गिन ले, कम होवे तो घर आके ले लियो और ज्यादा होवे तो इनाम समझ के रख लीजो। इस गांव के लोगों को वो दिन नहीं भूलता
जब उनके यहाँ अचानक लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला आया था। लंबी गाड़ियाँ, उसमें सूटेड बूटेड काला चश्मा लगाए हुए सोने से लदे हुए लोग, देखने में ही मालदार पार्टी लग रहे थे। सुबह 11 बजे आए ये लोग, शाम होते होते वापस चले गए। लेकिन उनकी गाड़ियों ने जो धूल की परत छोड़ी, वो एक दिन सोने की चादर बनकर पूरे गांव को ढक लेगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। फिर कुछ दिनों तक गाड़ियों के आने का सिलसिला चलता रहा। अब तो नीले लट्टू वाली और कभी कभी लाल लट्टू वाली गाड़ियां भी आने लगी थी। श्रीमान जी, कितने एकड़ जमीन का प्लान है सरकार का? पूरे गांव की जमीन कम पड़ जाएगी। हाँ। यादव, जरा डिटेल बताओ जी। सबसे पहले तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्लान है। एक मिनट, जरा फाइल देना। तो फिर जी, नेशनल हाईवे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, टाउनशिप, स्टेडियम, कॉलेज, स्पोर्ट्स सिटी, और तो और F1 ट्रैक का भी प्लान पास हो गया है। भाई, हम तो ये चाहते हैं सरकार और किसानों के बीच में ठने ना, ये धरना वरना ना हो। श्रीमान श्रीमान, बिच्चू बीच में, प्रॉब्लम साइड में। आगे की बात किससे करूं? यादव के टच में रहना। जी सर। ये चाय फिर से? अरे फिर से चाय नहीं, रे बेटा, साहब के लिए दूध लिया। दूध? अभी तो दूध ले लो, रात को इंतजाम कर दूंगा दूध वाली का। दूध वाली का? सही है भाई, सही है। लो लो लो, सही है भाई, सही है। लगाओ। तो यहाँ जमीन का रेट है 1 एकड़ का 1 करोड़, पर मैं अपनी जमीन का 4 करोड़ लूंगा। क्यों भाई, 4 करोड़ क्यों? कारण नंबर 1, गांव वाले, बिरादरी वाले मुझे जानते हैं, आपको नहीं, मुझ पे भरोसा है, आप पे नहीं। कारण नंबर 2, जिस दिन सरकार ने खुद दे जमीन ले ली किसान से, तब आपको खरीदनी पड़ेगी जमीन सरकार से, और देने पड़ेंगे 4 के 40 करोड़। और साहब जी, गारंटी नहीं है कि आपको ही मिले। गुणे बिल्डर खड़े हैं वहां लाइन में। कारण नंबर 3, कुछ बिल्डरों ने होशियारी दिखाने की कोशिश की। कैसे? डायरेक्ट जमीन खरीद ली किसानों से सस्ते में, रह लगे बांधने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, और शहर के लोग बावड़े होकर भाग पड़े इधर। रेट बढ़ गए, किसान अड़ गए। क्यों? बिल्डर को मिले करोड़ों और किसान को मिले घंटा। 16 मंजिल की बिल्डिंग है, 20 मंजिल की बिल्डिंग है, 25 की 32 की 40 मंजिल की बिल्डिंग है, किसानों ने 4th मंजिल पर रुकवा दी। सर ये झूल गए, कुत्ते मूतने लगे, प्रोजेक्ट अधूरे रह गए, बिल्डरों का 4th हो गया। आपको तो नहीं करवाना ना, आप समझदार हो। आगे सर जी, आपकी मर्जी। आपकी सेवा में सदैव तत्पर। विद यू फॉर यू ऑलवेज, दिल्ली पुलिस का कहना है। दो ही चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, एक तो जमीनों की, दूसरे कमीनों की। मैं तो कहता हूं निकाल डालो जमीन के उस टुकड़े को। जसराम भाई साहब, अब आप कब तक न्यू ट्रैक्टर चलाते रहोगे? ट्रैक्टर खेती में चलाना ठीक है, लेकिन आप तो हर जगह ट्रैक्टर ही लेकर पहुंच जाते हो। शादी हो, भाभी जी को शॉपिंग कराने जाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना हो, कोई बीमार हो जाए, कोई मर जाए, बस ट्रैक्टर। तो भाई तेरी
क्यों दर्द हो रहा है? तुझे नहीं बिठा के लेके जाता इसलिए, तेरे पास है ना वो कंफर्टेबल सवारी, क्या कहवे उसे? अबे जसपाल क्या कहवे उसे? ओ भाई साहब फिट फिटिया। हाँ फिट फिटिया। भाई जी मेरी छोड़ो, आप लोग अपनी सोचो। राजा बन के रह सकते हो, इतनी जमीन है आपके पास। बन जावेंगे राजा, टाइम आवेगा तो। पता है मो, सरकार जमीन लेवेगी इस गांव की, हम भी दे देंगे, फिर ऐश करेंगे हम भी मुआवजे के पैसे से। बावली समझे हम कोई साला बेचू। माँ बाप का भला समझदार बन रहा है अपने आप को। किसके पैसे से ऐश करोगे चौधरी साहब? मुआवजे के पैसे से। मुआवजा? मुआवजे के चक्कर में मत पड़ जाना। मुआवजा वो मसूका है जो बैठती तो गोदी में है लेकिन साथ साथ जेब भी काटती रहती है और पता नहीं क्या क्या काट डालती है। कब मिलेगा मुआवजा? कब लेगी सरकार जमीन? कब एप्लीकेशन लगेगी? कब रेट तय होगा? कब मिलेगा आपको चेक? बड़ा लंबा सफर है और जब तक मिलेगा तब तक आपके पेट में ना होगी आंत, ना मुंह में रहेंगे दांत। तो मुआवजे की रकम के बादाम चबाओगे कैसे चौधरी साहब? भाई यू बता बेचू पंडित, ये स्कीम क्या है तेरी? हाँ सुनो, गौर से सुनो। भाई जी मैंने कुछ बिल्डर सेट किए हैं, वो आपकी जमीन का मुंह मांगा दाम देने को तैयार है। मुंह खोलो दाम आज। वैसे भी सारा गांव आपकी जमीन पर हगने ही तो जाता है। माँ बाप के बलंडर बेचू, जिस जमीन की तू बात कर रहा है हमारे पिताजी बड़े चौधरी साहब को हमारी माँ से ज्यादा प्यारी थी। जवान संभाल के बोल। अरे चौधरी साहब माफी 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 चौधरी साहब, मैं तो इतना कह रहा था कि आपकी माँ की जैसी जमीन अपने बच्चों पर सोना उगलने को तैयार है और आप मुंह फेर के बैठे हो। सोना मतलब? सोना मतलब पैसा, दौलत, धन, और इतना पैसा कि ऊपर वाली पानी की टंकी में टुल्लू पंप से चढ़ेगी दारू। दारू में डूब जाना, पीते रहना दारू 24 घंटे और बाबी फोरन वाली। ऐश करो, पैसा ही पैसा है, इधर पैसा उधर पैसा। चौधरी साहब कुबेर का खजाना कम पड़ जाएगा लेकिन चौधरियों का खजाना कम नहीं पड़ेगा। असल के चौधरी बन जाओ भाई साहब, ऊपर उठो ऊपर। पांच सौ भाई साढ़ती के साथ सोच लो। बेचू तू जैसा कहे है ठीक है। गाड़ी खरीदनी है। अरे भीम सिंह तेरे वाले कस्टमर है। अरे तू कहाँ चली गई? मत चल दिया। अरे आप देखते हैं कौन आएगा। राम राम चोर साहब। अरे माँ बाप के बलंडर चाइनीज, ये तो राम राम बोले हैं। राम राम। अरे कोई छोटे ये कौन सा नमूना है? गाड़ी खरीदनी है। कौन सी लोगे? अरे तू क्या देवेगा, हम तो कोई सी भी खरीद लें।
पास सफेद वाली दे। स्कॉर्पियो लोगे? हाँ स्कॉर्पियो। कितनी है तेरे पे? छह है। एक काम कर, सब बाउंड में पैक कर दे। ए सुन जयवीर। जी भाई साहब। तूने जो रट लगा रखी थी बता इसको। सुन बे चिली चिकन, ये मजबूत है। सारी गाड़ियों के पीछे चौधरी लिखा होना चाहिए। बेफिक्र रहो भाई साहब, यू तो चौधरियों की गाड़ी की पहचान है। अरे यू तो बहुत समझदार है भाई साहब। मोमो साहब बस। जगवीर दे इसको। जी भाई साहब। ले भाई। ए बलंडर, बोरा भर के रुपए हैं, गिन लियो। कम पड़े तो घर आके ले लियो, और ज्यादा हो तो बख्शी समझ के रख लीजो। अरे देख के रहा, उठा उठा उठा, उठा। अरे उठेगा नहीं, सीट के ले जा, जा। उठा उठा। हाँ भाई, अरे जसराम। हाँ भाई साहब। देखियो लड्डू कम न पड़ जावे, पूरे गांव को मिलने चाहिए। चिंता मत करो भाई साहब, लड्डू कम ना पड़ेंगे। अरे आ रहे हो, लड्डू खाओ सारे। अरे जय किशन, ये किस बात के लड्डू बांट रहा है सारे गांव में? अरे ताऊ आओ आओ, तुम भी लड्डू खाओ। सबे भाइयों ने यूं सफेद खिलौने लेके दिए हैं। भाई यो तो बहुत बढ़िया बात करी है तन्ने, पर एक बात समझ में ना आ रही। केबल अंडर हो गया था, ओ समझ में ना आ रही तो पूछ ले। अरे ले भाई ले। ये सभी एक सी सफेद गाड़ियाँ क्यों कर ले आए तुम पांचों भाई? भाई पांच भाई हो और गाड़ियाँ यहाँ छह हैं। ए जसपाल। हाँ जी। समझा रहे ताऊ ने। अरे ताऊ, अरे क्या हो गया तेरी समझदारी ने है? अरे हमारी जैसी गाड़ियाँ आसपास के गांव में किसी के पास ना हो, यू सोच करके भाई साहब ने जितनी भी सफेद गाड़ियां थी ना, सारी की सारी ठाली। तो कंपनी वालों ने यो छह गाड़ियां बनाई हैं तुम पांचों भाइयों के लिए। वो भीड़ बानिया तो तुम ले आए जय किशन, पर सुहागरात क्या ये ड्राइवर मनाएंगे इन गाड़ियों के साथ? के बोल रहा है तू? अरे बोल रहा हूँ कि भाई गाड़ी चलानी तो आती ना, तो खरीद के किस लिए ले आए तुम? तो चौधरी कैसे इन सफेद खिलौनों की फिरकी बनाते हैं, कल सुबह ही नजारा देख लीजो। जाओ। भाई साहब, ये तो जॉनी रिवर भी कुछ काम करता ना दिख रहा। अरे क्या हो गया? भाई साहब, ये जॉनी रिवर क्या करेगी? घंटा ताऊ ने जो थोड़ा मारा ना, वाबी भरी चुपाल में उससे खोपड़ी घूम रही अब तक साली। कुछ भी करो रे, इस माँ बाप के बलंडर ताऊ की बात का तो जवाब देना ही होगा। खड़े हो लो रे सब, और रात ही रात में इन सफेद घोड़ों की लगामे कस दियो। ये लो। उठ जा। अरे जय किशन उठ जा। अरे गांव वालों की नींद हराम करके तू यहाँ मजे में सो रहा है? बहुत खेल लिए तुम पांचों भाई इन खिलौनों से। केवल अंडर हो गया था। अरे रात भर सपने में परेशान करता रहा तू। अरे माँ बाप के बलंडर था, अब सवेरे सवेरे फिर उंगल लेने तो घर पे आ गया। घर पे? अरे आँखा खोल के देख, दर्शन कर ले अपने महल के। के बोल रहा है ताऊ?
अरे बाहर निकालो रे चौधरी साहब ने बाहर निकालो ये बलंडर कर रहा है अरे भाई हट लो हटो क्यों देखो भाई जिस जिसका नुकसान हुआ सबकी भरपाई हो जाएगी अरे कैसे होगी भरपाई इन पांचों भाइयों ने आधा गांव तहस नहस कर दिया रात में अरे बेच्चू कह रहा ना ताऊ और आपसे चक्कोड़ जानता है बेच्चू क्या क्या कर सकता है मुझ पे भरोसा करो ना अरे ले जा चौधरी ने ले जा ना देख देख कैसे आ रहा है देख खड़ा भी ना हो जाए चला भी ना जा रहा अरे बिठाओ रे अरे छोटे गाड़ियां तो दो चार दिन में वापस आ लेंगी लेकिन अरे बेचू गाड़ियां तो वापस आ जावेंगी पर माँ बाप के बलंडर उस्ताऊ ने जो हमारी इज्जत उतारी है वो कैसे वापस आवेगी भाई साहब आप चिंता मत करो बेचू है ना मैं तुझे जानू भली भांति बावली बूच अब तू हम चौधरियों की इज्जत बढ़वावेगा बताऊ ना बोल रहा ताऊ का मुआवजा बोल रहा अरे वा भी साले तेरी करतूत है वरना हम तो बड़ा चौधरी कोई ना हो सके इस गांव में इस गांव में भाई साहब इस गांव में अरे आसपास के 100-200 गांव में आपसे बड़ा चौधरी कोई नहीं पर कल रात को जो कांड हो गया उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना अरे मेरी जान के दुश्मन बेचू अरे कैसे होगी भरपाई बता अरे के करें हम अरे गांव वाले के पैर पकड़ने अरे नहीं, नहीं 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 भाई साहब आप में क्यों डाल रहे हो आपका सेवक तो है ना यहाँ पर बेचू सुनो मारी बात सुनो ताण दो कोठी ताऊ की कोठी से भी ऊंची आलसान कोठी गांव में गांव को पता तो चले सबसे बड़ा चौधरी कौन है जनता है बोली नेता है भले ये चुभने वाले भोले भी बेचे जनता है बोली नेता है भले ये चुभने वाले भोले भी बेचे घोर मिलावट की दुनिया में प्योर करप्शन बेचे नेता अफसर दलालों के बीच कनेक्शन बेचे बता बेचू हाँ जी भाई साहब चौधरियों का महल कैसा दिख रहा है चौधरियों का महल ताजमहल से भी बड़ा अलग और ताजमहल से भी बड़ा है चौधरियों का जसराम हाँ भाई साहब उतार के नजर अपने महल की बेचू की झोली भर दे ले भाई अरे अब बावड़े क्या होने जा रहे हैं पूरे क्या होने जा रहे हैं बस अच्छा खुश नहीं लग रहा कम लग रही है जसपाल मंदिर में दे दे ले अभी ले ले दे ना ना बेचू के मन में मंदिर है ये देख अम्मा चौधरी साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ ये नहीं मानेगा पलट के कितना चल हुकुम करो चौधरी साहब देख भाई बेचो एक ही बहन है हमारी बा का ब्याह करना है हो जाएगा तो जानता है हमारे बारे में जानू चौधरी साहब जानू मुआवजे में करोड़ों छाप लिए अब सीधे सीधे यू बोल के हमारी टक्कर का खानदान कौन से गांव में मिलेगा आपकी टक्कर का खानदान आसपास के 50 गांव में कोने तो तेरे के मत बोले ब्याह न करवाए बहन का मैंने यू तो नहीं कही तो के कहवे तू सुनो गौर से सुनो खादर से थोड़ी दूर आली गांव के चौधरी
घनी तेजी से ऊपर उठ रहे हैं। अभी तो सिर्फ ब्याड़ा दिलवाया है तो ओडी लेने की सोच रहे हैं। पूरे पेमेंट पे तो वाह गाड़ी है। कौन सी? झूमर उमर के। हमर भाई साहब जीपन की बाप है वाह गाड़ी। भाई साहब कुछ एक फिल्म स्टार वो क्रिकेटर के पास रहे वाह गाड़ी। अरे थम लो रे, भाभी दिला देंगे, पहले ब्याह की बात तो जाने दो। हाँ तो बता कौन लौंडा है? आली वालन का छोटा जयवीर। ठीक रहेगा ना? ठीक ना गजब। एवन दबंग लौंडा। चार बजे हो घड़ी में बैरिकेड हो सिटी में चल कागज। रे तेरी रे कौन पकड़ी जरा पकड़िए भैया। 12 किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी है? अरे देखा ना देखा तुमने? हाँ भाई ओ देखा ना देखा? ओ देख लिया, घनी गर्मी आ रही नोटों की तरह में। चल गाड़ी कागज निकाल। बेटा नोट है यही मारा तो गर्मी आ रही है। अरे पहचान लो रे तुम सब, ओ पहचान लो सब। चौधरी जयवीर कहवे मो, चौधरी जयवीर आली गांव वाले। अच्छा अरे अरे चोई सब पहचान गए, बिल्कुल अच्छे तरीके से पहचान गए। मैंने ठीक से देख के ना थी है? असल में ये गलती थारी ना है, ये साले मारी गलती है। जो बैरियर हमने थोड़ा बीच में लगाया हुआ था रे, साइड में लगाया कर इसने। सुन लिया रामवीर है? चोई साहब को दिक्कत रहा है, माय फॉल्ट, ये तो हमने रखा था। अब आप जाओ मौज लो है। और हाँ चोई साहब, वो अगले सोमवार को भी ना नाके पे नाइट में मेरी ड्यूटी है, तब तक तो नया बैरियर आ जाएगा है, तो थोड़ा एक बार और है। अरे बड़ा आराम है यार तू तो है। चले काम करियो, अगली बार हमारे स्कॉर्पियो की टक्कर देखने अपने थाने के ऐसे चो भी बुला लियो जा। पक्का? अरे ठीक है चलो। अच्छा ठीक है, बैरियर पीछे करिए, चोई साहब को जान दे। पीछे कर रहे, तुम भी जाओ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे हैं? चलो जाओ यहाँ से। चाओ साले जब नहीं थे तो एक एक पैसे को तरसते थे, अरे जब हैं तो ऐसे उड़ा रहे हैं। अरे भाई साहब, छोटे के भैया के चर्चे आसपास के सगड़े गवर्नमेंट में हो रहे हैं जी। हाँ भाई, जिससे भी बात करो वो यही कहा है कि भाई जयवीर की शादी में जो गदर कटा वो तो भुला ही नहीं भूलेगा।
केबल अंडर हो गया। अरे किलो के हिसाब से जेवर चढ़े हैं बहू को, टैंकर भर के अंग्रेजी दारू चली है, लाखों के कारतूस फायर हो लिए, 5 करोड़ से ऊपर खर्चा हो गया, फिर भी के चर्चे न होवेंगे और के। रहो पंडित जी, अरे आज क्या चुपचाप खड़े हो? सुन रहा हूँ। सुन तो रहे हो लेकिन कुछ चल तो रहा है अंदर। बोल दूं? अरे उगड़ दे जो उगड़ना चाह रहा तू, बोल बोल। चौधरी साहब बात नहीं हो गई कि लौंडा पैदा हुआ आपके घर, हिजड़े नाम ले गए परले गांव से। अरे के मतलब है तेरा? के बोल रहा है? मतलब ये कि आपके किए किराए पे पानी फेर दिया खद्दर वालों ने। अरे कैसे पानी फेर दिया खद्दर वालों ने? खद्दर वालों की छोरी ने चौधरी जयबीर के गले में जयमाला डाल दी 3.5 करोड़ की, और ऊपर से जो खर्चा किया उसका कोई हिसाब ही नहीं है, और आपको 5 करोड़ की पड़ी है। थोड़ा सोचो, थोड़ा बाप दिखा के अरमान देख के, ऊंचे नीचे खानदान देख के, पैसा लेके एहसान देख के, तुमको मैं तल के पकवान देख के। एक बात बता बेचू, आली वाले खद्दर वालों को जवाब कैसे देवेंगे? कोई दिमाग में है स्कीम? है के रहने तो चौधरी साहब, उगल दे आली वालों की मूछों की बात आली। अरे चौधरी साहब गढ़ा लंबा चौड़ा खर्चा है। अरे ओ तू पैसे की चिंता ना कर, बोल। अरे पंडित पैसा की कमी हमारे दौर है, बोल। तो लो सुनो, हम करते हैं एक खै पै चै पार्टी का जुगाड़। अरे हगा भी तो क्या हगा? अरे ना, अरे ना बेचू ना, अरे खै पै चै पार्टी तो हम रोज करे हैं। अरे तू कौन सा नए तीतर बटेर उड़ा देगा? हैं के करेगा तू बता? अरे हर चौधरी जो है ना अपने गांव में खेतों में खपैचे पार्टी करता फिरे यार। चौधरी साहब ये खपैचे पार्टी बाप पार्टी होगी जिसके चर्चे आसपास के गांव में फैल जाएंगे। अच्छा चर्चे फैल जाएंगे? कैसे फैलेंगे? अरे तू फैलाएगा? ना चौधरी साहब मैं ना फैलाऊ, चर्चे फैलाएगी। वाह कौन है बेचू? बॉलीवुड ते आइटम बॉम्ब चर्चे फैलाएगी। यू बता बेचू, ये आइटम बॉम्ब के बला है? चौधरी साहब यो आइटम बम एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक बला है। के बोल रहा है? मणथन वा पार्टी में आके ऐसा कदर काटेगी कि आसपास के गांव के 500 चौधरी मान लेंगे कि आपसे बड़ा चौधरी कोई है ही नहीं। 500 गांव के चौधरियों को छोरियां अपने हाथों से पिलाएंगी दारू। माँ बाप के बलंडर बेचू, सही स्कीम है ये इसकी? 1 करोड़ खाओ पै पियो चै। दरिया सिड़के सिड़के लगे तो मिड़की मिड़की ठिकरिया। अरे बेचू का मर गया तू? बेचू अरे ओ बेचू अरे बुढ़े तेरी माँ का आप तो जवान हो। बात कर किस ते? अरे आइटम ते के बात करू? बात करू ते रात में ही रुक जाए बात, तो आज रात ही बॉम्बे निकल जाएगी। घंटा बॉम्बे निकल जाएगी? अरे गांव में ले चल।
चाय पानी कर दे उसका, वहां ना मरने कैसे नहीं मानेगी वो। बोलिया बस सुन सुन रहा बोलो। देख जितना नाचने का दिया ना उसने उतने ज्यादा दूंगा, आज रात के लिए मना रहे तू बस। चौधरी साहब मारी मानो, शांत हो जाओ, कल कोई अच्छा जुगाड़ करो। ये बेचो, अरे कल तक मैं इसने के बोल के समझाऊं। इसने बोलो छोटे शांत हो जा, अकड़ मत, धीरज धर, तेरे से बात नहीं होती ना, सीधे से बोल। अरे मैं जाके बात करता हूँ, तुमसे कैसे नहीं मानेगी। अरे चौधरी, अरे जान रहे, अरे चौधरी साहब बैठो, हमारी बात तो मानो। देखो अभी शांत हो जाओ, अभी गांव जाओ, मैं एक नहीं पांच छह का जुगाड़ कर दूंगा। पांच छह का मैं क्या करूंगा? आपने थोड़े कुछ करना है, जो कुछ करेंगी वो करेंगी आप, तो चुपचाप शांति के साथ खाट पे पड़े रहना बस। अरे कमीने, उरिया योके, मैं कोई लाजवंती देवी हूं के? अच्छा उठ उठ उठ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। साथ देखो देखो, अकड़ के खड़े रहो, यो पकड़ो बोतल हाथ में, आगे बढ़ो, गाड़ी में बैठो, लेके आ रहा उसने, और पहुंच जाओ सीधे खेत वाले कमरे में। कमरा तो पूरे कमरा हो रहा, अरे कमरा हो रहा मेरी मलाई, अरे आइटम रुक जा, अरे चला कमरे में। कित ले जाएगा? कमरे में, कमरे में ले जाएगा तू मन्ने? अरे मारा चौधरी साहब को कांदा दो। हाँ बेचू, चौधरी साहब कैसा है तू? ठीक ठाक, कृपा है आप। तो चौधरियों की खे पेचे की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई? न चर्चा तो फैल गई, लेकिन उससे पहले ये बात भी फैल गई के कि चौधरी खेतों में बीरबाणियों से पिट रहे हैं। पिट रहे हैं? क्या बोल रहा है तू? ना ना भाई साहब, हमसे जलने वालों की कमी ना कोई गांव में। ए बेचू, तेरी खबर गलत है। खबर सही है चौधरी साहब। अरे क्या हो रहा है? अरे आजा बैठ अम्मा। अम्मा कुछ नहीं, बैठ जा। पार्टी की थी, उसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। तो पैसा भी घना खर्चा होगा। अरे अम्मा, पैसे तो खर्च होते ही हैं। अरे नलायको, सारे गांव में पैसा ही उड़ाते फिरोगे या कोई धन का काम भी करोगे? आज बड़े चौधरी होते ना, इतना पैसा मिलने के बाद काम में कोई अच्छा काम करवाते। अरे दुखी क्यों होती अम्मा, हम हमारे बाप को भूल थोड़े ही गए हैं। अरे बेचू, तेरी खोपड़ी में कोई ऐसा आइडिया नहीं है
जिससे हमारे बड़े बूढ़ों का नाम रोशन हो जाए। चौधरी साहब, बस यो ही एक चीज है जिसकी कोई कमी ना है बच्चों के पास, और बात चीज है आइडिया। फालतू बके तो निकाल बाहर आइडिया। नोट गणे लगेंगे, लेकिन चौधरी झंडू सिंह का नाम रोशन हो जाएगा इस आइडिया के साथ। अरे मेरे भाई बेचू भाई, ऐसा काम कर दे कि हमारे बापू का नाम रोशन हो जाए भाई। बस अरे रहने दे जसवाल भाई, अरे ये और इसकी आइडिया, अरे बावली बूच, तेरे आइडिया जो है ना वो शरीफ आदमी का नाम खराब करवाते हैं, नाम रोशन वोशन कोई नहीं करवाते। बेचू के आइडिया तो हमेशा निशाने पे लग गए। अब चौधरी अंधेरे में तीर चलाए तो बेचारे बेचू का के दोष। चुत्तड़ गदर तो ठीक है ना। ना भाई साहब, मैं यूं कह रहा था ना, इसकी सुन लो, शायद कुछ अच्छी सोची हो। ए बेचू, क्या आइडिया है तेरे पास, बोलना। इब जोर जबरदस्ती कर रहे हो तो सुनो गौर से, बैठो ना, रहने दे। सुनो, चौधरी झंडू सिंह का नाम और यस आसमान में चमकेगा। चौधरी झंडू सिंह का नाम और यस महाराजा दशरथ से कम थोड़े है। महाराजा दशरथ के ऐसे सपूत युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, चौधरी झंडू सिंह के नाम से गांव में रखी जाए एक रामलीला। अरे वाह भी वाह, या रामलीला के आगे दिल्ली के लाल किले की रामलीला साड़ी पड़ेगी पानी। अरे बेचू, तूने तो मेरे मन की बात कह दी, बस अब इसको जल्दी से करवा दे। जरूर अम्मा, लेकिन मैंने पहले कही थी, नोट गड़े लग गए। तू नोटों की चिंता क्यों करता है, मैं तुझे नोटों से दाव दूंगी। अभी तो सिर्फ बयाना मिलो है, तो गांव की सेवा करने का ये पहला मौका है। फुल पेमेंट मिलने के बाद लाल किला पे जो रामलीला हो गए है, उससे भी बड़ी रामलीला मारे चौधरी झंडू से। और दूसरी बात यह है कि इस रामलीला में प्रसाद में सबको देसी घी के बड़े बड़े डिब्बे मिलेंगे, जितने खा सको खाओ। हेलो, अरे भाई साहब बोल ना रहा। अरे बटन दबा बटन। देसी घी के भाई साहब, दब गया दब गया। बोलो शुरू करो। सब इस लोगों के लिए। अरे ध्यान से सुनिए रे सर, भाई साहब ने जैसा बताया ये आधा किलो का लड्डू, उसमें पांच प्रकार के मेवा पड़े हुए होंगे, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता और चिलगोजा कहा है, महंगा मेवा है। अरे चिलगोजा जो घनी महंगी चीज हो है, वो भी पड़ेगा। चौधरी झंडो सिंह, चौधरी झंडो सिंह, चलो भी रामलीला शुरू करो। सारे चौधरी जय श्री राम। महाराज बधाई हो। कहो दासी, क्या बात है। जय जयकार करने वाले कितने रखे? 30 है, पूरे 30। और नोट लूटने वाले? अपने खास 15, जिनमें 3 मेरे साढ़े, 2 मामा। भरोसे के। जैसी आज्ञा महाराज। यो 501 रुपया मैं माता कौशल्या को इनाम में देती हूँ। रे अम्मा सुन, के कर रही है 501 रुपए का इनाम चौधरियों की साण के खिलाफ है। तो 1,000 दे दो। 11,000 दे देती। देख, 1 रुपया और जोड़ ले। चलो मान लिया 11,000। 1 रुपया मैं माता कौशल्या को इनाम में देती। रामचंद्र जी की। वाह, नोटों की माला कितनी है? 51,000 की पूरी 5। सारे नोट असली मिक्स कर दिए। ठीक, ध्यान रखना सारा हिसाब। हाँ, नहीं तुम चिंता मत करो। उसी को देखिए अब किस प्रकार चूर चूर होता है। जय श्री राम। क्या बात है, मौर्सिया पति रामचंद्र की जय। जय चौधरी, जय किसान, जिंदाबाद।
ये बात ऐसी माने तो चढ़ा दी 11,000 रुपए की भेंट। आप बड़े हो, आपको पुरुष है, इसलिए आपके लिए मैंने 51,000 रुपए की माला बनवाई। के बोल रहा है? माथे पे लगा। हाँ, यो लगा। आगे बढ़ो चौधरी, हम तुम्हारे साथ हैं। वाह क्या बात, जय श्री राम, जय श्री राम, सीता मैया की जय, जय श्री राम, और सियापति रामचंद्र की जय, चौधरी चंडू से मैं ये आज्ञा आपकी सिरोधार करके वन जाने के लिए तैयार हूँ। जय श्री राम, बोलो श्री रामचंद्र की जय। देखा तुमने, ऐसे होवे है पुत्र, चौधरी चंडू से बोलो श्री रामचंद्र की जय। सारे चौधरियों को हे अम्मा, बावली हो क्या रही है? अम्मा क्या कर रही है? कितने लुका रही है अम्मा तुम? अम्मा अरे भाग क्या कर रही है? आने वाले टाइम में दो ही चीजों की कीमतें बढ़ेगी, एक तो जमीनों की, दूजे कमीनों की। ये लो साहब जी। धन्यवाद। अतर सिंह जी ये लो। हाँ जी। मगरलाल जी शुक्रिया जी। लो मैडम, मीनू मैडम। बेचू भाई, बड़े साहब के पास काम की बहुत बड़ी खबर है, कुरेदो कुरेदो। पक्का? पक्का। ये ले भाई, देख ले। फोटो कॉपी नहीं दूंगा तुझे इसकी। सर जी, नक्शे का फोटो तो इन आंखों में छप गया, लेकिन एक शिकायत है आपसे, कोई बात अपने मन में छुपा रखी है। देखो सर जी, आपके हुक्म पर जो आप कहते हो वो सप्लाई कर देता हूँ। आप कहते हो भाभी जी को शॉपिंग करवाने ले जा, ले जाता हूँ। आप कहते हो यो दे दे, दे देता हूँ। वादे दे, दे देता हूँ। अरे तू जो देता है, बात तो सुनो। मने लग रहा था इतनी बड़ी खबर आप खुद मुझे दोगे, लेकिन सामने खड़ा हूँ और आपके मुंह पे ताला लग रहा है। अब जो तू मुझे देता है ना, वो अकेले मेरी जेब में तो जाता नहीं, नीचे से ऊपर तक चढ़ता है। सर जी एक बात बताओ, यो खबर का जो खबर मने पता नहीं के है, उसका कितना चढ़ावा दूं? पांच लाख दिए। मने पूरा विश्वास है कि खबर 5 लाख की होगी। अबे चूतिए, 5 लाख की नहीं है, 50 लाख की है। 50 लाख की क्या? आड़ी कैंड से तो फिर और कौन सी जगह? वह ये तो मुझे भी नहीं पता। सर जी किसी ना किसी को तो पता होगी। कौन? ये तो खुद सीएम और दूसरा वो अथॉरिटी का चेयरमैन मिश्रा जी। अरे कहाँ मिश्रा जी, वो तो गए। गए? हाँ। फिर कौन है? भारद्वाज। भारद्वाज, विश्वनाथ भारद्वाज है। हाँ।
तू अपने फार्मूले उस पर मत आजमाई हो। बाप बहुत टेढ़ा आदमी है वो। सर जी एक प्रार्थना करूं, मेरे अलावा ये गोपनीय फाइल किसी और को मत बताना। देख बेचो, बेईमानी के भी अपने कुछ नियम होते हैं भाई, है ना? कोई 50 लाख भी देगा ना तो भी नहीं बताऊंगा। आप पे विश्वास मन, फिक्र मत कर। पानी पिएगा तू? अरे मार के पानी पिलवा रहे हो। चल। अच्छा चलता हूँ। यो भारद्वाज साहब को हिसाब किताब के हैं। खानदानी रईस हैं। इनके परिवार में सारे बड़े बड़े अफसर हैं। एक पैसे की ना रिश्वत खाता है, ना शराब पीता है और ना मांस खाता है। भारद्वाज साहब से मिलने के लिए लोगों को एक एक महीना इंतजार करना पड़ता है, मगर औरतों और बच्चों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। दो बच्चे हैं इनके, दोनों नाना नानी के पास रहते हैं और बीवी को गुजरे 10 साल हो चुके हैं। मैं आपका काम करा दूंगा। अंदर सर को दी हुई एप्लीकेशन, लंच के बाद आपसे मिल लेंगे, ठीक है जी? अभी लंच में बिजी हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। नमस्कार। न्यू तो मैडम किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी जान लो, सुश्री कामणी देवी अखिल भारतीय महिला मोर्चा की महासचिव हैं और राज्य की नारी उत्थान समिति की अध्यक्ष हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय से मिलना चाहती हैं। पर साहब तो बिजी हैं अभी लंच में। सर जी बड़ा जरूरी काम है। मैं देखता हूँ ट्राई करके। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, अब मैडम कामनी देवी अखिल भारतीय महिला मोर्चा की महासचिव, उत्थान नारी उत्थान समिति की राज्य की अध्यक्ष, नारी उत्थान समिति की राज्य की अध्यक्ष आपसे मिलने आई हुई हैं जी सर? अच्छा ठीक है सर, ओके सर, जय सर, आपको बुला रहे हैं। लो। तो मैंने एंट्री कर दिया उसकी और आपका टेंशन नहीं लेना, उसमें हो जाएगा काम आपका, ठीक है? जी कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? सर सेवा करना तो हमारा काम है, आपकी तो सिर्फ परमिशन चाहिए। गांव पातली, तहसील प्रहलादपुर। गांव पातली, तहसील प्रहलादपुर। अच्छा अच्छा, सरकारी घोषणा में कितने दिन लगेंगे? 20 से 25 दिन तो लग ही जाएंगे। 20-25 दिन। देखो जी मैडम, आपके एनजीओ के ऑफिस के लिए 2 एकड़ जमीन का प्लान पास करवा दिया है। पक्का? पक्का। बेच्चू जो कहता है करके दिखाता है, बस आप अपनी कृपा बना के रखना। भारद्वाज एक पैसे की रिश्वत नहीं खाता, शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता।
लेकिन जिंदा मांस तो खा गए। और बिच्चू जी, लेदर करेंसी तो हर जगह चलती है। सही है। मैडम, मैडम जी, रजोदा, फाइल मिली कि नहीं मिली? यू लो पंडित जी, यू मिल गई आपकी नीली वाली फाइल। हाँ ठीक है। रे जब से तूने व्रत उपवास रखने शुरू किए ना, तेरा शरीर ढीला हो गया है। पंडित जी, 40 दिनों तक ना तो गांव में कोई बाल कटाएगो, ना नखून कटाएगो, अन्न तक ना जाने दियो पेट में। इस बार तो इंद्र देवता से मड़वा के रहेंगे के बारिश हो के रहेगी हमारे गांव में। बंजर जमीन को उपजाऊ उपजाऊ बना के छोड़ेंगे। 100 साल में उपजाऊ नहीं हुई तो इस बार के उखाड़ लोगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है पंडित जी। पूरे गांव वालों ने व्रत रखा है, पूरा साथ दूंगा उनका। जमीन कितनी है जी? यही कोई 40 एकड़ होगी जी। 40 एकड़? अच्छा, निकाल क्यों नहीं देता? कौन खरीदेगा वो बंजर जमीन? नहीं, खरीदने वाले तो मिल जाएंगे, तू पहले अपना मन बना ले। पंडित जी, मन क्या बनाना है? सही सही खरीदने वाला कोई मिल जाए, अच्छे से दाम दे दे, मैं निकाल दूंगा अपनी जमीन। ओ तेरी अम्मा, ओ तेरे भाई। अरे उनको मैं संभालूंगा पंडित जी, भाई तो मेरे आगे चूना करता। और बापू के जाने के बाद तो अम्मा भी चुप रहे हैं, मैं सब कर लूंगा। आप वो जमीन निकलवा दो बस मेरी बंजर सी। देख मैं तो गरीब बेचू, मैं के निकलवाऊं यार। पंडित जी, बड़े बड़े गांव में चौधरी बना दिया आपने, कुछ तो चक्कर चलाओ अपने बच्चे के लिए। देख बच्चा है तो कोशिश करता हूँ जी। देख रहे, वादा नहीं करता हूं, लेकिन यो बता कि कम से कम कितनी रकम मिल जाएगा तो खुश हो जाएगा जी? खुश और गम का तो क्या है कि यू समझ लो बस 1 एकड़ के 50 से 75 हजार मिल जाए, काम बन जाएगा मेरा। 50 से 75 हजार? चल कोशिश करके तुझको 1 एकड़ का 1 लाख तो दिलवा दूंगा, तो 40 एकड़ के हो गए 40 लाख। पंडित जी 40? अरे पंडित जी, आपके चरण धो धो पिएगा जो, आपके चरण धो धो पिएगा। ब्राह्मण का आशीर्वाद में ससाथ रखना। हाँ बस। देख 40 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। हाँ। संभाल के तो रखेगा? आप जैसे पिता समान आदमी का हाथ सर पे होगा तो संभल ही जाएंगे अपने आप। नहीं, अगर तू संभल गया तो मैं तुझे जोधा से चौधरी जोधा बढ़ा दूंगा। चौधरी जोधा? और चौधरी जयवीर से भी अच्छी छोरी ला दूंगा तेरे लिए ब्याह के। पंडित जी यू काम करा दो, माथा टेक रहा हूं, यू काम करा दो। पर सुन। हाँ। चौधरी जोधा बनने के बाद पंडित बेच्चू राम को भूल तो नहीं जाएगा? ये बात कर रहे हो पंडित जी, जो गुजर की जुबान है। अरे जो अपनी जुबान का नहीं वो अपने बाप का नहीं, नमक खाया आपका, ऐसी गद्दारी करो ना तो वही गोली मार देना। काम करा दो बस पंडित जी। बस समझ ले फिर काम हो गया तेरा। ठीक है, तो कागज पत्र के लिए आज रात को ही गांव निकल जाऊं? जल्दी है। आप हुक्म करो। नहीं मरने तो जल्दी नहीं है, लेकिन तुझे जल्दी है तो आज रात की बस लेके निकल जाए। ठीक है, आज ये सारा काम निपटा देता हूँ, शाम में घर निकल जाऊंगा। ठीक है। ठीक। वो जी फाइलें पड़ी अंदर, समेट ले। काम हो जाएगा ना? हाँ। आपको बढ़िया सी चाय पिलाता हूँ। हाँ। चाय पिलाता हूँ आपको बढ़िया सी। खुश हो गया जी महाराज। सुनो, गौर से सुनो, आने वाले टाइम में सिर्फ 2 चीजों की कीमत होगी, एक तो जमीनों की, दूसरे कमीनों की। ओ,
पंडित जी आना। फिर से हमारी गलियों में पांच सफेद हाथी झूमते दिख रहे हैं। बारात तो ना निकालेंगे हमारी। अरे माँ बाप के बलंडर, पांचों पांडव गर्म मूड में दिखे। अरे लंका जलाओगे के? बेचो। अरे बाहर आ रहे। अरे चोई साहब घने दिनों से सोच रहा था तेरे घर चल के ही तेरे दर्शन किए जाएं। हमारे बाप का नाम रोशन करवा के गायब हो गया। आपने वो एक ढूंढना पड़ रहा है। कचो पाया भाई। कचो पाया भाई। कचो जवाब दे कचो। राजोदा। चौधरी साबो को चाणी पिलाएगा क्या? हाँ जी जी, वो चाय तो ले आऊँ, लेकिन वो जो बड़े चो साहब के लिए आप लाए थे ना? क्या लाया था मैं? वो ड्यूटी फ्री। अच्छा हाँ जी, पूरा कार्टन लाया हूँ। अच्छा, और वो छोटे चो साहब के लिए आपके लिए तो जी 50 दफे फोन आ लिया। किसका फोन आ लिया? अजी भाई, रीटा मैडम का। जसराम और ओप के सटाक का इंतजाम हो गए हैं जी। अच्छा ठीक है, गड़बड़ बात न कर, तू पहले चाय का इंतजाम करा। जी अभी लाया। अच्छा देखो, मैं तो खुद ही सोच रहा था कि आपके पास चलाऊं खुशखबरी देने के लिए। क्या खुशखबरी है? अरे सुनाता क्यों ना, टाइम घुटी कर रहा है। अरे पंडित बोला क्यों ना? अरे बोलने दो तो, पंडित बोले ना। हाँ बोल। सुनो, गौर से सुनो, ओडी बुक करवा लो। ओडी भाई, छोटे थम जा। भाई साहब, यहाँ साली तिजोरी खाली हो रही, जो ओडी की बात कर रहा है। अरे तेरा दिमाग सटक गया बावली बूच। भाई साहब, इब टाइम आ गया है कि ओडी की डिक्की छोटी पड़ जावेगी। नोट गड़े होंगे, बोरा में भर के ले जाना। तू बातें बताना, सीधे से बता। सीधे ही बता रहा हूँ भाई साहब, सरकारी दफ्तर में अपनी आंखों से फाइल देख के आया हूँ मैं। सरकारी दफ्तर से एक बार चिट्ठी निकली नहीं कि आड़ी गांव के चौधरी नोटों के बिस्तर पर सोएंगे। नोट ही नोट, ये भी समझ में आया? अरे मैं खुद ही खुशखबरी देने की सोच रहा था। अगर खुद ही आ जाता मैं तो कुछ ना कुछ इनाम लेके जाता, लेकिन चलो, मुझको कोई अफसोस नहीं है, मन में कोई दुख नहीं। धन्यवाद हमारे जो दाता चौधरी हमारे घर पधारे। तूने आज खुश कर दिया बेचू। अरे माँ बाप के बलंडर, कोठी पे आके अपना इनाम ले लीजो। चौधरी साहब, कोठी नहीं, कोठी नहीं। हा? चौधरी पैलेस को। चौधरी पैलेस। चौधरी ऊपर थो, ऊपर थो चौधरी साहब, ऊपर थो चौधरी पैलेस। खड़े ले ली, तू भी चौधरी है ना? अरे बावड़ी बूच बेचू, कहाँ है तेरा बिल्डर? साले बेचू। बोल लो चौधरी साहब। भैया आजकल छुरियों ने बड़ा गदर मचा रखा मॉल में। चौधरी साहब, मॉल में माल ही मार दिखते। Well, I think so. So, why don't we go that way? मसाल दो। What do you think? भाई आजकल अंग्रेजन बड़ी लागरी मॉल छोड़। चौधरी साहब, आजकल इनका सीजन लग गया। सीजन? मैं सीजन तो बेचू कुतियों का हुआ है। बड़ा गोरी। अरे बेचू। हाँ चौधरी साहब। भाई यो तो स्माइल मार के गई मन्ने। या आपकी बॉडी को कमाल है। क्या कह रही थी? कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो। अच्छा। भाई बेचू एक बात बता। बोलो ना रहने दे। चलो रहने दे। अच्छा सुनो। सुनाओ। मैं यूं कह रहा था कि ये जो अंग्रेजन है, ये किसी ना किसी को तो देती होगी। लेनी है?
देगी? लोग गए ले लेंगे, नोट गड़े लग जाएंगे। अरे नोटों की कमी थोड़ी ना मारे कन्ने, नोटी नोट है, नोटी नोट है तो वाके गेट खुल ले। चल भाई यो हसरत भी पूरी कर लेते हैं, करा दे बंटू का बन। आप कहो तो बंटू का 5-6 करवा दूं। ना 5-6 रहने दे, तेरा 5-6 में देख चुका, तू बंटू का बन करवा दे। अबे बेचू, भाई बम फोड़ दिया था ने, एक वही 5-6 का इंतजाम कर दिया। हड़के से हाथ धरना, चौधरियों की तरह रोड रोलर ना चला बैठ, एम्बुलेंस लानी पड़ जाएगी। निकलो मैं ना, रुक जा, रुक के मैं केक करूंगा आप दोनों के बीच में। साले बेचू, ना दिमाग तेरा भी बहुत तेज काम करा है कभी कभी। अच्छा न्यू बताओ, कितनी देर में निपट लो? बेचू मेरा मन तो करे कि 5-7 दिन लगा रहा हूँ मैं इसके साथ। चौधरी साहब, हैप्पी मैरिड लाइफ का प्लान नहीं बढ़ाना। न सुनो, नीचे बैठा हूँ, कहीं अटक जाओ तो मन ने फोन लगा लेना। तो सारी रात होगा एक्शन। प्रणाम करूं चौरंगी गोरखनाथ, जिसको दुनिया के आशिकी उसमें मारी लात तने, जिसको दुनिया के आशिकी उसमें मारी लात तने। न्यू अचानक आपके दिमाग में आइडिया आया कैसे? अरे यार यू खादर वालों के बहन भी आके लाया हूँ। अब सब पता है खादर में कितने पैसे हैं, सब पढ़े लिखे हैं और हमारी मैडम भी अंग्रेजी बोले मॉडर्न है। वही ने रट लगा रखी है कि डिस्को जाना है जाना है जाना है। सौदी साहब, डिस्को वीर बाणियों के ले जाने लायक जगह ना है। भाई क्यों ना जा सकते हम अपनी बीरबानी के साथ वहाँ? अपनी बीरबानी के साथ जाने लायक जगह ना। फिर दूसरी छोटी गर्लफ्रेंड। अरे बच्चू, यही मेरे माथे मारना था क्या? चौधरी साहब, न्यू समझो के इमरजेंसी को जुगाड़ है। डिस्को का गेट पास, अंदर पहुंचकर असली माल की व्यवस्था कर दूंगा। चल एंट्री करा। अरे छोड़, जो चिपके रहो जद आगे आगे बढ़ो। अरे यार, जिनके खुद के हथियार ना चलते वे के हथियार रखेंगे हैं? छोड़ रे भाई साहब, नजरों से ही बलात्कार करोगे कैस जवानी का। अरे जा अंदर जा। चल 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 चलो चलो। हां चल, कम सीधे चढ़ अंदर, टर्न ले।
पूरा पंडित जी मामला तो गरम है। अरे ठेका ही दिखा है, है? आजा। ले छोड़ो। जय हो जय हो जय हो प्रभु। Hi sir, what can I get you sir? अरे क्या क्या है तेरे पास? So we have absolute Bakari lemon, we have black label, blue label and all. What will you have? अरे सबसे महंगी कौन सी दारू है? So we have blue label over here sir. तो ब्लू फिल्म का एक बड़ा सा पैक बढ़ा दे। Sure sir. अरे बेचू, अरे पूरी रात क्या इनके साथ ही गुजारूंगा? नहीं, अरे इंतजाम कर, नोट निकालो। अबे बढ़िया वाला करियो इंतजाम। हाय, व्हाट विल यू हैव? योर ड्रिंक सर। हाँ लेते हैं। अरे मेरा सामान। Here you go. आप तो बड़ा अच्छा डांस करती हो। Thank you. यो ही डांस करने के आपको पैसे मिल जाए तो खुश हो जाओगी। Of course. चले। चल। आप डांस बड़ा अच्छा करती हो। है? आपको हमारे वो चौधरी साहब है ना, वो देख रहे गबरू जबान है, उसकी दोस्त बनना है। ठीक है चलेगा ना? आप भी पियो, उनको भी पिलाओ। डांस करो, मस्ती करो। जय सिया। अबे मैं चूतिया हूँ जो यहाँ खड़ा हूँ जब से? नहीं चौधरी साहब, आप क्या बात कर रहे हो? सारा सेट है, पैसे ले लिया, सब कुछ ले लिया, कहाँ इंतजाम? मैं इंतजाम, आप हमारा साथ चलो, आ जाओ। यो चौधरी नंबर चार। हेलो, आई एम रिया। सेट हो गए? अच्छा मैं आपका सेट कर। हेलो मैडम, आई एम योर एडम। आप चाय पियोगे? नहीं नहीं, नो थैंक्स। अच्छी कड़कदार है, भैंस के दूध की है। रख खूब गाढ़ा, बढ़िया। हनुमान चालीसा पढ़ा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है? और मंदिर जाए करो। बैठो। इट्स रैप, जस्ट पुश इट। यार, I'm sorry sir, the bar is shut. अबे बार खोल ले, पिछवाड़े में पैसे ज्यादा ले लियो, दारू दे। Sir, I said I'm sorry, I can't serve, the bar is shut. अबे ये सब बैठे हैं यहाँ, दारू? Yeah. दारू? Yeah. तीनों को दारू दो, चल। Sir, I'm sorry, the bar is closed. रे तेरे बार की अस्तेसी, पैसे चाहिए और तो ले ले, दारू दे। Sir, I'm saying the bar is shut, please, I'm sorry. So please mind the language, the bar is shut. ये ऐसे ना मानेगा। सपूत करने वे सर। दारो। मैं अगली बार पूरी के पूरे गाड़ी घुसा दूंगा तुम्हारे थाने में। अबे तू काहे को ना बोलता है बे? तू तो अपना है। रे पुलिस तो सबकी होती है, सेवा के लिए सदैव। बेचू भाई, मीडिया में खबर पहुंच चुकी है, शुक्र मना लौंडे की जान नहीं गई। हट। सुबह होते होते सारे चैनलों में खबर फैल जाएगी इसकी करतूत की। बस तेरा इतना मान रख लिया कि अब तक FIR दर्ज नहीं की मैंने। पर अब 2 करोड़ का इंतजाम करवा दे, नहीं तो लंबा जाएगा तेरा चौधरी। इसके भाइयों को फोन कर दिया है, रस्ते में होंगे जनाब। नहीं इस एरिया में हमसे बड़ा चौधरी कौन हो लिया जो आली गांव के चौधरियों के भाई को बंद कर दे? अरे हवलदार, चल ताला खोल फटाफट, बाहर निकाल हमारे भाई को।
अरे ओ बेचू, यार तेरे रहते हुए हमारा छोटा भाई सलाखों के पीछे। ओ चौधरी, चूतड़ा भाई इतने लठ मारूंगा सारी चौधराहट उसी रास्ते से बाहर आ जाएगी। थाना है तेरे बाप की जागीर नहीं। माँ बाप के बलंडर थानेदार, इज्जत से बात कर। कौन सी इज्जत? अबे जब इज्जत घर की तिजोरी में छोड़ के आते हो, जब कदर करते हो। गोली चलाई है तेरे भाई ने डिस्को में, दारू पी के हंगामा करा है, ये इज्जतदार लोगों के काम है। अरे बेचू समझा समझा ले इसको। बलियान साहब शांत हो जाओ, गढ़ा मान रख लिया आपने मेरा। चौधरी साहब आप भी शांत हो जाओ। ये सिर्फ बेचू भाई की वजह से तुम सब यहाँ खड़े हो। अच्छा अभी नहीं तो अंदर गिरते मार मार के। शांत शांत बैठो बैठो, आप भी बैठ जाओ बैठो। जो हो गया सो हो गया, अब बाहर निकाल छोटे ने। देख थानेदार, खर्चा पानी जो होवेगा उसकी चिंता मत कर। अब आईना लैन पे। वैसे चौधरिया में हमेशा बड़े भाई थोड़े बहुत समझदार देखे मैंने। सही कहो जनाब। दो लगेंगे। छोटे जी भाई साहब, गाड़ी से निकाल के 2 लाख दे दे। जनाब बुकलाट में चौधरी 2 करोड़ को 2 लाख रुपया समझ रहा है। 2 करोड़? अबे माँ बाप के बलंडर, किस बात के 2 करोड़? 10-15 कत्ल थोड़े ही ने कर दिए हैं छोटे ने, 2 करोड़ क्यों दे? जो दोगे सारा मेरी जेब में नहीं जाएगा, ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। मालूम है कुछ? तुझे मालूम है? अगर हम सब अपनी चौधराहट पे आ गए ना तो छोटे ने भी ले जाएंगे और पैसे भी नहीं देंगे। कर लिया फिर तो कुछ करना है। अरे फिर तो अपन जा पाना जा, ठीक है? अरे बात बड़ा से मत बढ़ाओ। अरे चले गए, बैठो तो। अब चौधराहट कोर्ट में दिखाना, और अब खड़े हो अब तो यहां से। अरे चौधरी साहब, ठीक है कर, गोली चलेगी तो बेचू की छाती पे चलेगी। बेचू पंडित है, बामण हत्या का पाप अपने सर पर मत लेना। बामण हत्या का पाप अपने सर पर मत लेना। शांत हो जाओ। जसवंत, जसराम, जगवीर पीछे हटो, पीछे हटो। अरे भगवान के लिए शांत हो जाओ। हाँ, बैठो, ठंडक डालो। लो शांत हो जाओ। रैगना मान रख लिया आप सब लोगों ने मारा। चौधरी साहब 2 करोड़ का इंतजाम तो हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। लो हो जाएगा। तो ऐसा है बेचू भाई, अब इंतजाम 3 का करियो। 3 क्यों? तेरे भाइयों ने थाने में आके ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे बंदूक तान दी, जान से मारने की धमकी दी। कम से कम 7 साल के लिए अंदर जाएंगे। 7? करूं केस दर्ज? तू खड़ा क्यों है? जा गांव और पैसे ले आ। अम्मा से फोन पे बात करा दीजो, तिजोरी से निकाल के दे देगी। जा। रे भाई बच्चू, सुनो जरा जल्दी आइए, सूरज निकलने के बाद हम 2 नंबर का काम नहीं करते। भाई वर्दी की भी तो कोई इज्जत होती है, याद रखिए। उधर सूरज निकला, इधर केस दर्ज हो जाएगा। सूरज निकला या नहीं है, सूरज अस्त हो गया। जा। सभी भाइयों को राम राम। जाओ जाओ निकल। अरे जाए निकल ले। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एक जरूरी काम में अटक गया था।
जरूरी काम हमें यहाँ से छुड़ाने से ज्यादा जरूरी क्या है? चौधरी साहब, रात को कुछ और भी छूटना छुटाना होता है। पैसे लेके अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? पैसे? कितने पैसे लेके आऊँ? अरे 3 करोड़ जो थानेदार को देने हमें छुड़ाने के लिए। अच्छा अच्छा, कहाँ से लाऊं? आपके घर में तो घंटा नहीं है। अरे घर पे नहीं तो बिल्डर से लेके आ, उन्हें अभी हमें पैसे देने होंगे। कौन से पैसे की बात कर रहे हो आप? अरे हमारे जमीन के पैसे। जमीन के पैसे? और अब तो हमारे गांव में मुआवजा भी बटने वाला है, अब तो बिल्डर पैसे देंगे ना, लेके आ। कौन सा बिल्डर, कैसे पैसे, कौन सा मुआवजा? आली गांव में अब कोई मुआवजा नहीं बटेगा। क्या के लिए खेद है? भेजू, भेजू। क्या हुआ भाई साहब? फोन काट दिया, फोन। फोन लगा, फोन लगा, लग नहीं रहा है। लगा लगा फोन लगा लगा मैं भाई साहब दोबारा लगा के देखो जरा। अरे बंद आ रहा फोन। लगा गया साला बेचू। मैं आपसे इब्नियोई बोल रहा हूँ ना, सरकारी प्लान तो पास हो जान दो, ओडी की टिक्की छोटी पड़ जाएगी, नोट होंगे घड़े। चौधरी जंडू सिंह का नाम रोशन हो जाएगा इस आडिया के साथ। तान दो कोठी, ताऊ की कोठी से भी ऊंची आलसान कोठी गाँव। चौधरी साहब कोठी नहीं, कोठी नहीं, चौधरी पैलेस को सरकारी दफ्तर में अपनी आंखों से बगुप्त फाइल देख के आया हूँ मैं। आड़ी गांव के चौधरी नोटों के बिस्तर पर सोएंगे, आसपास के गांव के 500 चौधरी मान लेंगे कि आपसे बड़ा चौधरी कोई है। चौधरी साहब कुबेर का खजाना कम पड़ जाएगा लेकिन चौधरियों का खजाना कम नहीं पड़ेगा। अरे बामलो, यूं पैसे लुटाने से तो राजे महाराजाओं के खजाने भी खाली हो जावे। राय चौधरी जोधा, सब ठीक हो गया ना? पंडित जी आपने इस बालक की ना जिंदगी सवार दी। राय चौधरी जोधा, जिंदगी सवारने वाला तो ऊपर बैठा है। मन्ने तो यू बता तू कि अपना गांव पातली अब कितनी दूरी पर है? लो पंडित जी, यहाँ से सिर्फ 10 मिनट पे अपना गांव है, गांव पातली। चलो ठीक है। और हाँ पंडित जी, हाँ। जमीन की पेमेंट मिलते ही ना सबसे पहले ब्याह रचाऊंगा, करीना कपूर ते भी सुनहरी छोरी से, और बाकी डोली लेकर आऊंगा इससे भी लंबी गाड़ी में। तो के कहवे पंडित जी उस गाड़ी को? ऑडी, ऑडी में लेकर आऊंगा, सफेद ऑडी में। पंडित जी बढ़िया सा बंगला बनवाऊंगा गाँव में चौधरी पैलेस के नाम से।